नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, BHU में PG के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले BHU ने एक बार फिर से दोबारा से बच्चों को फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया था, लेकिन यह मौका सभी बच्चों के लिए नहीं था और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था जिनका कि नाम BHU के द्वारा जारी किया गया लिस्ट में था। तो अब आप लोगों का बहुत सारा कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन मेरे फॉर्म में मार्कशीट में गलती है, किसी सब्जेक्ट के नाम में गलती है, तो अब हम क्या करें। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि आप लोगों का नाम भी लिस्ट में नहीं है और आपके फॉर्म में गलती भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि PG से संबंधित सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको ऐसे ही दी जाती है। तो साथियों, सबसे पहले आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर एक लिस्ट जो है वह जारी किया गया था BHU की तरफ से। अभी भी यह जो लिस्ट है यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर आप देखना चाहें तो, क्योंकि करेक्शन करने का जो आखिरी डेट था वह कल तक ही था। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, डरे ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो लिस्ट है इसमें अगर आपका नाम है तो आपके पोर्टल पे एक नया एडिट का ऑप्शन आया होगा और वहाँ से जाकर आपको अपने फॉर्म में सुधार करना था। फॉर्म में जैसे कि स्कोर कार्ड वगैरह, मतलब स्कोर वगैरह फिल करने में, या फिर NTA से आपका जो भी डेटा मिसमैच हो रहा था वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल आ रही थी कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो उसी को सुधार करना था दोबारा से। और BHU ने इस लिस्ट में उन सभी बच्चों के नाम दे दिए थे जिनको कि अपने अपने फॉर्म में सुधार करना था। सुधार करने की आखिरी तारीख जो थी वह 21 तारीख तक थी, लेकिन जो भी बच्चे सुधार नहीं कर पाए, जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया, वो लोग अब काफ़ी डर रहे हैं। तो आप लोगों के कुछ कमेंट जो हैं हमारे पास आए हुए हैं, तो चलिए हम आप लोगों के एक एक प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि सर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है पर मैंने NTA स्कोर कार्ड नहीं डाला है फॉर्म में, क्या उसे डालना था। तो देखिए भाई, अगर आपने NTA का स्कोर कार्ड नहीं डाला है फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड BHU जो है NTA से डायरेक्ट ले लेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऐसा किए हैं तो वो लोग परेशान न हो, आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ कमेंट है कि सर मेरा लिस्ट में नाम है बट एडिट का ऑप्शन नहीं है फॉर्म में। तो हम कल आप लोगों को बताए थे कि कुछ देर बाद एडिट का ऑप्शन आया था, यानी कि आपके पोर्टल पे पांच ऑप्शन शो हो रहा था पहले से, और एक नया ऑप्शन जो था एडिट का आया था, तो वहाँ से जाकर आपको अपना जो फॉर्म था उसको एडिट कर लेना था। इसके बाद यहाँ पर एक किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है बट मुझे कुछ करेक्शन करना है, मैं क्या करूँ। तो देखिए भाई, अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है और आपको करेक्शन करना है तो आप नहीं कर सकते हो, और साथ ही कोई दिक्कत भी नहीं है BHU को आपके फॉर्म से, तो इसीलिए आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट गलत हो गया है, यानी कि इन्होंने सब्जेक्ट लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए भाई, आपने सब्जेक्ट लिखने में गलती की है और साथ ही आपका नाम जो है उस लिस्ट में नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि दिक्कत उन्हीं को होगी जो बच्चों का नाम उस लिस्ट में आया हुआ था और उन लोगों ने एडिट नहीं किया, अपने पोर्टल या अपने फॉर्म में एडिट नहीं किया, उन्हीं के साथ दिक्कत होगी, उन्हीं को एडमिशन नहीं मिलेगी। वरना जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना लगातार पोर्टल चेक करते रहिए। अब यहाँ एक और बच्चे का कमेंट आया हुआ है हमारे पास कि क्या जिनका कोई एरर नहीं है वो क्या अब पैडशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नहीं भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आपका डेटा मिसमैच नहीं है तो आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही आप पैडशीट वगैरह जो है वह क्या करेंगे, चूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मौका भी दिया जाता तो आप पैडशीट वगैरह जो है वह चूज़ नहीं कर पाते। तो यही सारी जानकारी रही, आप लोग परेशान ना होइए और जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कब तक आएगा इसको लेकर जल्द ही हमारे द्वारा जानकारी आपको दी जाएगी, जैसे ही पता चलता है कुछ। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।